अगली बार तुम मुझे इस गाड़ी में बैठने के लिए बोलोगे ना तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। क्यों? डिवोर्स के लिए। डार्लिंग तुम रास्ते में तीन बार बंद हुई है। अरे तुम इसे बेच क्यों नहीं देते? डार्लिंग ये मेरी लाइफ की पहली कार है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? कल को लोग कहेंगे वाइफ पुरानी हो गई तो। वहां से धक्का दिया सर। देहा, देहा, तू है? अरे अच्छा हो गया तू आ गया। अरे तुम्हारे लोगों ने तो मुझे ही पकड़ लिया। ये लोग कह रहे हैं मैंने इसे धक्का मारा। तुमने उसे धक्का नहीं दिया तो किसने दिया? मैंने नहीं दिया, मुझे नहीं मालूम किसने दिया। देहा प्लीज समझाना इन्हें। देखो बॉस, पहले पता तो चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। और अगर इन लोगों ने तुम्हें पकड़ा है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना? सर इसी ने किया है। ये लोग टेरेस पे बैठ के दारू पी रहे थे सर। टेरेस पे बैठ के दारू पी रहे थे? दारू नहीं, विस्की। विस्की दारू नहीं है, है? फिर क्या किया? दारू पी के धक्का दे दिया इसको? अरे मैं ऐसा क्यों करने लगा? देव प्लीज समझाओ ना। प्लीज सर, आप इन्हें बिना किसी वजह परेशान मत कीजिए। आप कौन है? मैं इनकी वाइफ हूँ। आप कहाँ पे थे? मैं घर पे थी। चलो वो जगह दिखाओ जहाँ पे बैठ के पी रहे थे, दिखाओ। इस तरफ। विनोद रहता कहाँ था? यहीं पास ही में रहता था। यहाँ क्यों आया था? विनोद के पास पिछले कुछ दिनों से काम नहीं था, वो बहुत डिप्रेशन में था, इसलिए मुझे मिलने आया था। और तुम लोग यहाँ दारू पीने बैठ गए? हाँ। दारू घर पे क्यों नहीं पी? यहाँ टेरेस में क्यों आए? कोई जगह है दारू पीने की? घर में बीवी सोई हुई थी इसलिए। मैंने घर में दारू पीने नहीं देती। ये यहाँ, यहाँ पे थे हम लोग। ग्लास टूटा हुआ? ये मेरा है। मैं नीचे गया हुआ था ड्रिंक बनाने के लिए, जब ऊपर आके देखा तो देखा विनोद नीचे गिरा हुआ है। मैं डर के मारे मेरे हाथ से फिसल गया। विनोद यहाँ खड़ा था तो वो नीचे कैसे गिर गया? वो यहाँ बैठा हुआ था ऊपर। ऊपर? हाँ, ऐसे पैर उस तरफ थे। मैंने उसे कहा यार ऐसे मत बैठ, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था, बहुत उदास था वो। शायद इसीलिए आत्महत्या की उसने। उसने आत्महत्या की या किसी ने उसे धक्का मार के गिरा दिया, अभी पता चल जाएगा। वो कैसे? किसी आदमी को नीचे फेंक के देखेंगे। आदमी को? आप लोग प्लीज पीछे हटिए, पीछे हटिए प्लीज, प्लीज पीछे हटिए, प्लीज पीछे जाइए, उधर जाइए, प्लीज हटिए, चलिए। हाँ दया, फेंको। 1 2 नहीं दया, दीवार से काफी दूर गिरा है, अब इस तरह से फेंको जैसे कोई आत्महत्या कर रहा हो। ओके, वो दूसरा डमी ले आओ। संभल के। दीवार के पास ही गिरी है, कार से करीब 2 फीट दूर। लगता है आत्महत्या ही है। देखा ना दया, अरे मैं पहले से ही कह रहा था कि उसने आत्महत्या ही की है। थैंक गॉड सुमन तुम बच गए। डॉक्टर अंजलि का बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही है, देखते हैं वो क्या कहती है। ये एक खून है। मगर जब हमने डमी को इस तरह से फेंका था जैसे कोई अपने आप कूद रहा हो, तो बॉडी दीवार के काफी पास में गिरी थी। अगर ये खून होता तो डमी को 10-12 फीट दूर गिरना चाहिए था दीवार से। कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी का गला घोटकर उसे ऊपर से आहिस्ता से नीचे लुढ़का दिया जाता है, तब भी बॉडी बिल्डिंग के पास ही गिरती है। काश मैं आपकी बात का विश्वास कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बात आपको मालूम है कि इसकी गर्दन पे गला घोटने के निशान नहीं है। हाँ, मगर मैं एक बात कह रही थी कि ऐसा हो सकता है। जो भी है, दूसरी बात यह कि जब ये ऊपर से गिरा तब ये मरा हुआ नहीं था। आपको कैसे पता? आप तो वहां थे नहीं। पूरी सोसाइटी ने इसकी दर्दनाक चीख सुनी है, ये चुपचाप ऐसे नहीं मर गया है। जब कोई आदमी अपने आप कूदता है ऊपर से और जब वो जमीन पर पहुंचता है, तब ज्यादातर वो अपने पैरों पर गिरता है, उसके पैर की हड्डियां टूट जाती हैं।
इसके पैर की हड्डी टूटी नहीं है, मगर इसके कंधे की हड्डी टूटी है। कोई जब धक्का देता है ऊपर से, तब बॉडी सर के बल या कंधे के बल गिरती है। पर ये देखिए, आपने शायद देखा नहीं, इसकी पीठ पर स्क्रैचेस लगे हैं। टेरेस के पैरापेट से इसकी पीठ रगड़ी गई है, वहां कुछ हाथापाई या झगड़ा हुआ है। आप लोगों ने जानबूझकर ये नहीं देखा। ये क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। आपको एसीपी साहब से बदला लेना है, वो आप लीजिए। उनका गुस्सा आप हमारे ऊपर मत निकालिए। यही वो आदमी है ना जो पकड़ा गया है? दया, ये आपका दोस्त है या नहीं? हाँ है, मगर आप ये फोटो कहाँ से लाई? सच्चाई ढूंढ निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब हम लोग सच्चाई छुपा रहे हैं? हाँ। What nonsense? ये nonsense नहीं है। अगर मुझे बुलाते तो मैं वहीं सब कुछ ढूंढ निकालती। तो अब आ सकती हैं आप, देखते हैं क्या सच निकालती है। एक आदमी अपने फ्रेंड के घर आता है और टेरेस पर से कूद के मर जाता है। कोई अपने दोस्त के घर आकर आत्महत्या क्यों करेगा? बड़ा ही अटपटा सा लगता है। या ये हो सकता है कि उसे ये टेरेस बहुत पसंद आ गया हो, सोचा क्यों ना यहीं से कूदा जाए। ये वो जगह है ना जहां विनोद बैठा हुआ था और पी रहा था? जी। अगर विनोद ने आत्महत्या की है तो फिर ये खून कहां से आया? और इसे साफ करने की कोशिश की गई है, धोया गया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अपने दोस्त का खून किया है। अच्छी तरह से पूरा घर चेक करो, स्ट्रगल के निशान देखने की कोशिश करो। यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। ओके सर। कुछ हुआ है और टेरेस में भी भागम भाग हुई है तो किसी पड़ोसी ने जरूर को सुना होगा शायद। ये कहता है बार बार नीचे आया था, किसी ने तो देखा होगा। मैं बाहर जाके देखता हूँ। सर। हाँ सुधाकर, क्या है? ये देखिए सर। ये खून कैसे? मेरा हाथ कट गया था। कैसे? बॉटल मेरे हाथ से फिसल गई। बॉटल हाथ से फिसल गई तो हाथ कैसे कट सकता है? वो उठाने लगा तब कटा। इस बॉटल के बाकी टुकड़े कहाँ हैं? वो तो मैंने फेंक दिए। फेंक दिए? हाँ, तो रखे भी क्या करता ना। अब तो लगता है खून आप ही ने किया है। तुम्हें कोई आवाज आई थी ऊपर से? तुम्हारा घर तो एकदम नीचे ही है टेरेस के। हाँ, पहले तो लोग जोर जोर से हंस रहे थे जिसकी वजह से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसके बाद कोई टेरेस पर चल रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर, और हाँ सर, उसके बाद कांच टूटने की भी आवाज आई। तो तुम गए थे ऊपर? हाँ, मैं जाने ही वाला था कि इनके झगड़े की आवाज आने लगी और ये श्यामल कुछ चिल्ला रहा था। क्या कह रहा था ठीक से मैं समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ चोर 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 कह रहा था। चोर चोर? उसके बाद किसी के चीखने की आवाज आई और कोई भागा। भागा कहां से? अब ऊपर से नीचे। तुमने देखा उसे? नहीं, मैं इस बार ऊपर जाने वाला था, लेकिन फिर किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। फिर भागने की आवाज? इस बार कोई नीचे से ऊपर भाग रहा था। आप कब आए? अनफॉर्चुनेटली मैंने सब सुन लिया है। अब आपका दोस्त बुरी तरह से फंस गया है,
आप चाहकर भी ये नहीं कह सकते कि ये खून नहीं आत्महत्या है। और मैं उसे बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। तो फिर उसे अभी अरेस्ट कीजिए। क्या कर रहा है सबके सामने मुझे इस तरह अरेस्ट करके मत लेके जा प्लीज। तू मेरा दोस्त है। मेरे हाथ बंधे हुए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुझे पहले भी कहा था अगर हमें पता चला कि तुमने कुछ किया है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दया प्लीज। अगर एक बार आप इन्हें गिरफ्तार करके लेकर गए तो इनको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। हम बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इन्हें बिना गिरफ्तार किए भी तो अपनी तहकीकात कर सकते हैं ना। हम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी प्लीज। और अगर बाद में आपको पता चला कि एक खून नहीं आत्महत्या है तो फिर क्या होगा? शमन ये एक मर्डर का मामला है। मगर मर्डर हुआ कहाँ है? मर्डर ही हुआ है। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। किसी की वजह से नहीं हुआ है। टेरेस पे बैठ के दारू पीना क्या बड़ी इज्जत का काम है? बार बार इज्जत की बात कर रहे हैं। ये एक मौत का मामला है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मरते मरते क्या खा लिया इसने? हेलो डॉक्टर अंजलिका। हेलो। आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। आपके मुंह से अच्छी बातें निकलना बंद हो गई लगती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इंसान की खाल है, इसके मुंह से निकली। लगता है मरते मरते इसने किसी को काटा है। इसका खून करने वाले को काटा है, शायद आपके दोस्त को काटा है। वो मेरा दोस्त नहीं है, वो एक जान पहचान वाला आदमी है। और एनीवेज उसे तो अरेस्ट कर दिया गया। दया, मुझे लगता है जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तुम्हें इस केस से हट जाना चाहिए। ये सीआईडी का मामला है, आप अपना काम कीजिए। मैं नहीं चाहती कि जज्बात में आकर आपके हाथ से कोई गलत काम हो जाए। मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया और आप बार बार मेरे ऊपर टॉन्ट मत मारिए। जरा अपनी बात कीजिए। आपने एक बुलेट को फ्रेम करके अपने घर में रखा है। आपके सिर पे बदले का खून सवार है और आप मुझसे कह रही है कि मैं जज्बात में बह जाऊंगा? दया, दया, कंट्रोल यॉरसेल्फ प्लीज। डॉक्टर अंजलिका, शमन तो हमारी हिरासत में है ही, उसे बुलाकर उसकी बॉडी चेक करते हैं। अगर उसके शरीर पे काटने का निशान है तो मान लगे कि विनोद को उसी ने फेंका है। अगर की तो कोई बात ही नहीं, उसी ने विनोद को फेंका है। ठीक से देखो, हाथ ऊपर करो जरा। डॉक्टर अंजलिका, नो बाइट मार्क्स। नो बाइट मार्क्स? हाँ, कोई निशान नहीं है डॉक्टर। तो फिर मरने वाले ने काटा किसको? वो तो ढूंढना पड़ेगा कि किसको काटा है, मगर वो ये नहीं है। और शायद इसका मतलब ये हुआ कि खूनी ये नहीं है। ये नहीं हो सकता। हो सकता है। हमने जो पुतले वुतले गिराए थे ऊपर से ये देखने के लिए कि क्या हुआ होगा, वो सही था। उसे ये पता लगा था कि शायद ये आत्महत्या है। ये आत्महत्या नहीं है, इसी ने मारा है। इसके घर में जो कांच के टुकड़े मिले थे उस पे खून लगा हुआ था, पैरापेट पे खून लगा हुआ था जो साफ किया गया है। और नेबर ने बताया है कि दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था। इसे बाहर लेके जाओ। चलो। काटने के निशान के ऊपर आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया, इसीलिए शायद इतना धक्का लगा है आपको। आपका दोस्त हम लोगों के हाथों से निकला जा रहा है, शायद इसकी खुशी हो रही है आपको। वो बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि खूनी कोई और है और मरने वाले ने किसी और को काटा है, और वो आदमी शायद खूनी हो सकता है। कौन? इंस्पेक्टर अभिजीत यार। ओके, हम लोग आते हैं। जहां पे मौत हुई है उसी बिल्डिंग के डी विंग में एक रॉबरी हुई है। आइए सर, आइए। देखिए सर, सारा घर तहस नहस कर दिया चोरों ने।
क्या क्या गया है? सारी ज्वेलरी थी, 3 लाख रुपए थे, वो भी गए। कितने दिन के लिए बाहर गए थे आप लोग? 2 दिन के लिए गए थे। चोरों को पता कैसे चला कि आप लोग घर में नहीं है? मालूम नहीं सर। सर हम तो किसी को बताकर भी नहीं गए थे, और हमारा नौकर भी था। नौकर भी था जी? वो कहाँ है? हम जब वापस आए तो घर खुला पड़ा था और वो गायब है। उसका कोई फोटो वोटो है आपके पास? हाँ फोटो है। कितने सालों से काम कर रहा है वो आपके साथ? करीब 4 साल। पहले कभी ऐसी चोरी वोरी की है उसने? नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये चोरी उसने की है? मैडम हम थोड़े ही कह रहे हैं, वो तो ये साफ बोल रहे हैं। उसने चोरी नहीं की है तो कहाँ है वो? वो हो सकता है कहीं चला गया हो। डॉक्टर अंजलिका, 2-3 केमिकल्स मिलाने से हर बात का जवाब नहीं मिल जाता है, कई बार हमें खोद के निकालना पड़ता है। वो सर्वेंट कहां गया होगा, क्या आप बता सकती हैं? नहीं। दया, वॉचमैन से पूछताछ करनी होगी। नहीं साहब, हमने टमोरी को यहां कल कहीं भी नहीं देखा। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं देखा साहब। आखिरी बार कब देखा था तुमने उसे? कल देखा था साहब, जब आदमी ऊपर से गिरा था उसके थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से उधर जा रहा था। कितने बजे थे? 4, 4:30 बजे देखा था साहब। और उसके बाद? उसके बाद नहीं देखा साहब। शायद पीछे से दूसरे रास्ते से कहीं चला गया होगा वो। दूसरे रास्ते से कैसे जाएगा साहब, जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। हाँ हो सकता है कि वो ऊपर टेरेस से दूसरी तरफ चला गया हो, तो बोल नहीं सकते। टेरेस के ऊपर से रास्ता है? हाँ है ना, तो वो टेरेस से होके भागा होगा। टेरेस पे से ही वो आदमी फेंका गया है और टेरेस पे से ही तमोरी भी भागा है। मेरे ख्याल से डॉग स्क्वाड को बुलाना चाहिए। उसे चोर की शर्ट सुंगा। अब देखते हैं तमोरी किस तरफ भागा है। प्लीज अजीब इत्तेफाक है, विनोद की मौत भी इसी टेरेस से हुई है वहां से, और वो चोर टमोरी भी उधर से ही भागा है। सर्वेंट यहां पे मरा है और विनोद वहां से गिरा था। इन दोनों मौतों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? शायद इस सर्वेंट की बॉडी के पोस्टमार्टम से कुछ पता चल जाए। चलो बॉडी लेके चलो। लाश को मैं लेकर जाऊंगी और पोस्टमार्टम करूंगी। चलो। डॉक्टर छोड़ो। ये यहाँ क्यों भौंक रहा है?
जूते का निशान यहां से कोई नीचे उतरा है क्या? वहां पाइप चेक करो, यहां ऊपर एक जूते का निशान है, देखो लो जरा, शायद कोई नीचे उतरा यहां से। लगता है कोई यहां पाइप से नीचे उतरा है, देखो जरा। कुछ है अभिजीत? यहाँ पे कुछ नहीं, एकदम साफ है। लगता तो नहीं है कोई यहाँ से आया है। ओके, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई यहाँ से उतरा है तो बीच में से कैसे गायब हो गया? कहीं ये सामने वाली सीढ़ियों से तो नहीं भाग गया? मगर यहाँ से भागता तो सब लोग उसे देखते ना, किसी ने उसे देखा तो नहीं? जब विनोद नीचे गिरा तो सब लोग नीचे भाग के जा रहे थे ना। मगर सर, जूते का निशान तो यहाँ पर है। वही तो, जूते का निशान यहाँ पर आया कैसे और वो यहाँ से गया? पैरापेट पे तो कहीं और है नहीं जूते का निशान। जी डॉक्टर अंजलिका, और कोई बुरी खबर है क्या? आपने तो कसम ही खा ली है कि हम लोगों को रास्ता दिखा के ही छोड़ेंगे। यस डॉक्टर अंजलिका, अब और क्या बुरी खबर है? इस बार बुरी खबर मेरी तरफ से नहीं आ रही है, इस नौकर की तरफ से आ रही है। क्या? हाँ, ये नौकर दोपहर को 2 बजे ही मर गया था। दोपहर के 2 बजे? हाँ, और विनोद मरा था रात को 10 बजे। ठीक, इसका मतलब? इसका मतलब ऐसा लगता है कि दोनों को दो अलग अलग लोगों ने मारा है। माना ये दोनों अलग अलग टाइम पे मरे हैं, पर इनको मारने वाला एक हो सकता है। कैसे? खूनी नौकर को मारने के बाद 8 घंटे तक इंतजार करता रहा, फिर रात को वो बॉडी ऊपर लेके आया टैंक में छिपाने के लिए, जहां विनोद ने उसे देखा, विनोद के साथ उसका झगड़ा हुआ और विनोद मारा गया। कहानी अच्छी? ये कहानी नहीं है। पुलिस के कुत्ते ने हमें यह दिखाया है कि नौकर की लाश कैसे ऊपर लाई गई। खूनी वहां रुका था जहां विनोद खड़ा था, क्योंकि पुलिस का कुत्ता वहां रुका था और भौंक रहा था। ये सारी बातें जरा हवा में लग रही हैं। ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। मुझे तो लगता है ये दो अलग अलग खूनी हैं। आप इतना विश्वास से कैसे कह सकती हैं? सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस को हम लोग बेहतर जानते हैं। हमें दिन रात लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों को और जगहों को आप हमसे बेहतर नहीं जानती। वो बिल्डिंग, वो टेरेस, वो जगह यही बता रही है कि खून एक ही आदमी ने किए हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि कुत्ता एक जगह रुक कर भौंकने लगा? हे भगवान, पानी क्यों नहीं आ रहा है? टाकी में से पानी नीचे जा ही नहीं रहा साहब। तुम एक काम करो, जरा ऊपर चढ़ के देखो कहीं टाकी में कुछ फंसा तो नहीं। जी साहब। वहां से लाश मिली है,
कहीं इसमें भी कोई लाश पाश तो नहीं है? ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लाश तो नहीं लेकिन एक कपड़े जैसा कुछ है। इस शर्ट के मिलने से सारा केस उल्टा पुल्टा हो गया। तैयार तैयार हो जाओ, एक और बम फूटने वाला है। मुझे पहले ही मालूम था यहाँ कुछ नया ड्रामा होने वाला है। क्या बताया आपको इस शर्ट ने? इस शर्ट ने तो मेरे मुंह पे ताला लगा दिया है। जो काम हम लोग नहीं कर सके वो इस शर्ट ने कर दिया? जी नहीं, उस शर्ट पे मिले एक बाल ने। ये तीसरा बाल देख रहे हैं आप, ये मुझे इस शर्ट पर से मिला। और बाकी के दो बाल? ये जो पहला वाला है ये उस नौकर की गर्दन पर से मिला था, और वो वाला मुझे विनोद की शर्ट पर से मिला था। ये एक एक करके बाल इकट्ठे करती जा रही है, आपने इसके बारे में हमें पहले कुछ बताया नहीं। क्योंकि अब बताने का वक्त आ गया है। देखिए, ये तीनों बाल एक औरत के हैं, एक ही औरत के हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। एक ही औरत के बाल तीन अलग अलग आदमियों के कपड़ों पर? शायद छीना झपटी में निकल कर लग गए हों। दोनों खून एक औरत ने किए हैं। और ये शर्ट, ये जो हमें पानी में से मिली है, ये भी उसी की है, उसी औरत की? हाँ शायद। आपका मतलब है कि एक औरत ने विनोद को उठा के नीचे फेंक दिया, और वही औरत नौकर को कंधे पे उठा के टेरेस पे लाई और टैंक के ऊपर चढ़कर बॉडी को पानी के अंदर फेंक दिया। काफी ताकतवर औरत होगी। हो सकता है उसके साथ एक आदमी भी हो। मगर वो दोनों टेरेस पे से गए कहां? वो जूते का निशान पैरापेट पे तो है, मगर नीचे जाने का कोई निशान नहीं है। और वो कुत्ते को भी पता नहीं चला कि खूनी गया कहां। हो सकता है खूनी वही सोसाइटी का ही कोई हो। वो किधर भागा नहीं या भागी नहीं, वो वापस सीढ़ियों से उतर कर नीचे चली गई और अपने घर में घुस गई। हमारे पास उस औरत का बाल है, वहां रहने वाली सब औरतों का एक एक बाल मांगते हैं, उनका डीएनए टेस्ट कराते हैं, पता चल जाएगा किसका बाल है। डीएनए टेस्ट कराने से पहले माइक्रोस्कोप से सबके बाल देख सकते हैं। जिस औरत का बाल ऐसा हो वही खून। आप लोग प्लीज जरा आगे आइए, यहाँ पर आगे प्लीज। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी थी तो घर पे भी कर सकते, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? पूछ सकते थे मगर यहाँ भी थोड़ी देर लगेगी, बस 5 मिनट। एक बाल तोड़ेंगे। बाल? लेकिन क्यों? पहले आप आइए, आइए प्लीज। आपका नाम? श्री बाला। श्री बाला, कहाँ रहती है? सीविंग थर्ड फ्लोर। सीविंग थर्ड फ्लोर। आपका एक बाल निकाल लूं मैं, काट लूं? हाँ लेकिन जरा आराम से। ऑफ कोर्स, थैंक यू। नहीं, ये नहीं है। ये नहीं का मतलब? नहीं, वो दूसरी बात है। तो मैं जाऊं? हाँ, थैंक यू, थैंक यू। एक बाल काटने के लिए इतना परेशान कर दिए। चलिए आप आइए। आपका नाम? संगमित्रा। संगमित्रा, बहुत अच्छा नाम। थैंक यू डॉक्टर, आप मेरा बाल काट सकती हैं। अरे आओ शामन। वो मेरे यहाँ आज का पेपर नहीं आया तो मैंने सोचा आपसे मांग लूंगा। अरे पेपर ही तो है, मगर तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? नहीं क्या? मैं भी देता हूँ पेपर। मैं अंदर आ जाऊं? अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है शामन, आओ अंदर आओ, कम इन। अरे क्या देख रहे हो? नहीं कुछ भी तो नहीं। अच्छा वो टेस्टिंग, मेरी बीवी भी वहीं गई है। जानते हो वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई साहब आप? अरे बता भाई क्या हो रहा है? वहाँ एक एक औरत के बाल काट के देख रहे हैं। क्या बाल काट के देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? मैडम आप जा सकते। ओह
मैं तो ऐसे घबरा गई थी कहीं मेरे हाथों से कुछ हो ना गया हो। क्यों, आपने तो कुछ किया नहीं है। नहीं, मगर मुझे डर सा लगा रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे नींद में चलने की बीमारी है ना, तो नींद में चलते चलते कभी कभी मैं टेरेस पे चली जाती हूँ। डॉक्टर, आप इनका बाल फिर से लो। नहीं नहीं, ये नहीं है। आप आइए। आप अभी जाना नहीं, ये रुकिए आप। वैसे भी आप लोगों की समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, और जब तक आपकी इंक्वायरी खत्म होगी तब तक तो खून करने वाला बहुत दूर जा चुका होगा। खून करने वाला नहीं, खून करने वाली। थैंक यू। खून करने वाली? जी हाँ। खून एक औरत ने किया है? हाँ। देर हो रही है। एक मिनट और, मुझे आपके हाथ चेक करने हैं। हाथ? ये हाथ नहीं, आपकी कलाई चेक करनी है, स्लीव ऊपर कीजिए। लाइए, मैं ही कर देती हूं। ये क्या है? वो 3-4 दिन पहले मैं गिर गई थी, उसी से लग गई। ये विनोद ने तुम्हें मरते मरते काटा है जब तुम दोनों उसे मिलकर नीचे फेंक रहे थे। तो खून इन्होंने किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी बीवी रो क्यों रही है? मैं देखता हूं। सामान को पकड़ो। सामान, दरवाजा खोलो। सामान, दरवाजा खोलो। सामान! अरे भाई साहब, सामान तो अभी भी ऊपर गया। ऊपर गया? शामन, रुक जा। शामन, शामन रुक जा। रुक जा, रुक जा। दया रुक जा, आगे मत बढ़ना। हाँ। हे दया, दया, हे जाने दे मुझे, हाँ? छोड़ दे, हाँ? देख, देख किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, हाँ? मैं जाता हूँ। थैंक यू दया। नहीं शामन, नहीं। मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा, प्लीज आज मुझे छोड़ दे। प्लीज, मैं नहीं छोड़ सकता। दया, मैं जेल में सड़ जाऊंगा रे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, नहीं हो सकता ऐसा। शमन, रुक जा। शमन, शमन, नहीं, नहीं। शमन, शमन, रुक जा। शमन, रुक जा। रुक जा। शमन, शमन, रुक जा। कोई आगे नहीं आएगा। नहीं, शमन, शमन ऐसे मत करो, प्लीज रुक जा। मैं पहले ही कह रही थी ना, खून इसी ने किया है, अब तो ये जेल जाके सड़े। मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। नहीं शमन, शमन रुको। शमन प्लीज रुक जाओ। नहीं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अब तुम नहीं बच सकते। मैं जेल नहीं जा सकता। शमन, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम नीचे उतरो प्लीज। तुम अपने दोस्त को इस तरह नहीं बचा सकते। क्या कह रही हैं? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं जेल नहीं जाऊंगा। शमन, क्या जरूरत थी आपको इस तरह बात करने की? आपको पता नहीं इंसानों से कैसे बात करते हैं। आप सिर्फ मुर्दों से बात करना जानती हैं।
मर गया ना एक आदमी। मैं उसे बार बार कहती रही कि शमन चोरी मत करो, मत करो चोरी, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो चोर बना कैसे? उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी, बैटिंग भी करता था वो। हमारे ऊपर बहुत कर्जा था, विनोद भी बेकार था। फिर वो दोनों इंटरनेट पे से चोरी करने लगे। लोग इंटरनेट पे अपने क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदते और पता नहीं शमन इन क्रेडिट कार्ड के नंबर कैसे पता लगा लेता। और फिर हम उन लोगों के बैंक के सारे पैसे साफ कर देते। काफी पैसा बनाया होगा। नहीं, सारा पैसा चला गया। हम लोग तो एक दो बार पकड़े भी जाने वाले थे, फिर हमने ये काम छोड़ के हमारे जान पहचान वालों के यहाँ चोरी करना शुरू कर दी। अपने दोस्तों के घर ही चोरी? हाँ। उस नौकर को क्यों मारा? वो नौकर हमारे साथ मिला हुआ था। चोरी के बाद वो आधा पैसा मांगने लगा, चिल्लाने लगा। हम लोगों का उसके साथ झगड़ा हो गया और फिर शमन ने उसका गला दबा। विनोद को धक्का क्यों दिया? विनोद को पता नहीं था कि हमने उस नौकर को मार दिया है। और जब उसे उसके खून के बारे में पता चला, वो घबरा गया और कहने लगा कि वो पुलिस को जाके सब कुछ बता दे। तब उन दोनों में झगड़ा हो गया और शमन ने विनोद को धक्का मार दिया। नौकर के खून के जुर्म में और विनोद के मौत की साजिश करने के जुर्म में तुम्हें बहुत भारी सजा होगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।